Now next question. Question says equal masses of water and a liquid of density 2 are mixed together. सवाल है then the mixture has a density of हमारे option है 2/3, 4/3, 3/2 या फिर 3. Now सवाल आसान है. इस केस में हमने दोनों का इक्वल मास लिया है. सो इस केस में हमें पता है जो आपकी डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होगी उसको हम लिखते हैं m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 बाय रो 1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय रो 2. ये आपका केस होता है. लेकिन इस केस में क्योंकि हमने m1 m2 बराबर लिए हुए हैं तो उस केस में जो अपनी वैल्यू आ जाती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्वाइस रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 प्लस रो 2 बिकॉज आपने mm दोनों बराबर कर दिए. सो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला. इस केस में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है. यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी हुई है एक का है लिक्विड वाटर है दूसरा का है ऑफ रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है उसकी. सो यहाँ पे हम वो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी और अपना जो आंसर आएगा वो भी रिलेटिव डेंसिटी आएगा. सो उस केस में वी कैन से डेंसिटी ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 1 बिकॉज वाटर की रिलेटिव डेंसिटी टू इटसेल्फ 1 होगी मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 4/3. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी 4/3 वुड बी द राइट आंसर.